नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती पर निशाना साधते हुए कहा कि उमा भारती शिवराज सिंह पर दबाव बनाकर सीएम का पद लेना चाहती हैं, इसलिए बार बार सरकार के खिलाफ जाने की धमकियां देती हैं। इस मौके पर उन्होंने सरकार पर कर्मचारियों और आरक्षण को लेकर भी तंज कसा है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने शराबबंदी को लेकर उमा भारती के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि उमा भारती संगठन में बड़ा पद चाहती हैं, इसलिए वह शराबबंदी को लेकर सरकार पर दबाव बना रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार 7 लाख कर्मचारियों के साथ अन्याय कर रही है, आरक्षण को लेकर सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ सरकार ने कर्मचारियों के लिए आरक्षण की प्रक्रिया अपनाई थी। कमलनाथ ने तय किया था कि अधिकारी और कर्मचारियों को क्रमोन्नति दी जानी चाहिए। इस सरकार ने केवल पदनाम दे दिया है, लेकिन वेतनमान नहीं बढ़ाया है। प्रदेश में करीब 62,000 कर्मचारी बिना प्रमोशन के रिटायर हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री शिवराज जगह जगह बयान दे रहे हैं कि हम पिछड़े वर्ग के हितैषी हैं। कांग्रेस शासनकाल में आरक्षण को लेकर पहल हुई थी, रोजगार के अवसर को भी शिवराज सरकार नहीं भुना पाई है। पद चाहती है, इसलिए बार बार धमकी और देती है, दबाव बनाती है, लेकिन आज तक उन्होंने किया क्या? हमें पूरी उम्मीद है कि केवल दिखाने के दांत हैं उनके, खाने के उमा भारती के नहीं है। कांग्रेसी विधायकों के ट्रेन में महिला से बदतमीजी के मामले पर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि घटनाक्रम पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, साफ तौर पर यह षड्यंत्र नजर आ रहा है। इसमें भाजपा का हाथ होने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। के लिए नहीं कहते तो पुलिस ने नहीं की, फिर उनसे महिला से बात की, उनका जैसा कहना है कि उन्होंने सिद्धार्थ जी ने दोनों ने कहा कि भाई इनसे महिला से उसका बच्चा है, थोड़ा बहुत अगर ईमान धर्म है तो बच्चे की कसम खवा दो, हमें केस रजिस्टर्ड करो, गिरफ्तारी देते हैं। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता की साजिश है, षड्यंत्र है, और हमारे कांग्रेस नेता के विधायकों को साथियों को बदनाम करने का षड्यंत्र है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।